शीश महल की जांच ना हो सके, अधिकारी को ही हटा दिया जाए, इसके लिए किस हद तक गए ये लोग, इसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप सोच ही नहीं सकते। कई लोगों को तो शौक लग रहा होगा कि भाई कमरे खुल रहे हैं, फाइलें निकल रही हैं। उसके पहले की कहानी सुनिए, शीश महल की जांच करने वाले अधिकारी राजशेखर जी को हटाने के लिए जो आधार बनाया गया था, हमारी पड़ताल में वो आधार ही फर्जी निकला बॉस। यानी अधिकारी को हटाने में भी बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। दिल्ली सरकार का दावा था कि विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी वाई राजशेखर को काम से इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके खिलाफ कई शिकायतें थी, और शिकायतें किसने की थी कहा गया अभिनव समाज नाम के एक एनजीओ की तरफ से की गई हैं। ये देखिए, ये एक मिलिंद भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, ये एक वकील ने अभिनव समाज जिसको आप देख रहे हैं उसकी एक चिट्ठी लगाई कि भाई इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को शिकायत दी है राजशेखर जी के बारे में, और इसीलिए बिना कोई जांच बिना कोई सुनवाई एक दिन जैसे पावर मिली एक दिन में राजशेखर जी की सारी पावर छीन ली गई। लेकिन हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि इस एनजीओ ने राजशेखर के खिलाफ कभी कोई शिकायत ही नहीं की। एनजीओ के चेयरमैन जीके गुप्ता ने खुद बताया कि उन्होंने वाई राजशेखर के खिलाफ कोई शिकायत की ही नहीं है। यानी ये जो शिकायत का पन्ना है, ये जो इतने दस्तावेज हैं, सब फर्जी निकल रहे हैं हमारी जांच में। इतना ही नहीं, इसके बारे में सीएम केजरीवाल को 18 मई को चिट्ठी लिखकर उन्होंने जानकारी दी कि बॉस मैंने राजशेखर जी पे कोई लांछन नहीं लगाया। जीके गुप्ता ने केजरीवाल को लिखे लेटर में कहा था कि 18 मई को कुछ अखबारों में छपा कि अभिनव समाज की तरफ से कंप्लेन की गई है और नोटिस जारी किया गया। अच्छा, ये क्या लिखा, मैं क्या आपको बताऊं, मैं सीधे आपको जीके गुप्ता जी से मिलवाता हूं। जीके गुप्ता जी आपको बताएंगे कि क्या हुआ था। जीके गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, गोपाल कृष्ण गुप्ता जो इस अभिनव समाज एनजीओ के चेयरमैन हैं, और दूसरे शख्स जिनको आप देख रहे हैं ये योगेश मैनी जी जो जीके गुप्ता जी के अभिनव समाज के वकील हैं। तो ये जो मिलिंद जी के तरफ से चिट्ठी गई अभिनव समाज की तरफ से, वो मिलिंद जी जो हैं वो वकील ही नहीं है। आप सोचिए किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है। जीके जी, गुप्ता जी, पहले आप ये बताइए, क्या आप राजशेखर जी को जानते हैं और क्या आपने कभी कोई शिकायत की कि इस आदमी ने आपसे कुछ उगाही की कोशिश की या जो बातें कही गई कि भाई आपसे आपको प्रताड़ित किया गया? देखो जी, आज तक तो मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मुझे तो 18 तारीख को आपका न्यूज़पेपर नवभारत टाइम्स देख के ही पता चला कि अभिनव समाज की तरफ से कोई कंप्लेंट की गई है। कंप्लेंट नहीं बल्कि नोटिस दिया गया है सीधे सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को, एक अधिकारी राजशेखर के अगेंस्ट में। तो मुझे जैसे ही पता चला मैंने इमीडिएटली लेटर लिखा सीएम को और हेल्थ मिनिस्टर को, मैंने इमीडिएटली ईमेल पे भी लेटर भेजे और सेम डे हार्ड कॉपी भी रिसीव करवाई, लेकिन आज तक तो मेरे पास कोई उसकी कंफर्मेशन तक नहीं आई। यानी आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आपने कभी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं कराई राजशेखर के खिलाफ? डेफिनेटली जी, बिल्कुल, मैंने आज तक कोई शिकायत। तो ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है ये फर्जी शिकायत है? 100% जी फर्जी है। मैं इस वकील को ही नहीं जानता, ना मैंने इसको कभी पावर ऑफ अटॉर्नी दी, ना कभी हायर किया कि मेरी तरफ से नोटिस दे। तो ये मिलिंद एम भारद्वाज जिस वकील का नाम लिखा है, हमें भी ये वकील कहीं नहीं मिला। आपके वकील योगेश मैनी जी हैं। योगेश जी, आपने कोई शिकायत दे दी हो अगर गुप्ता जी की तरफ से और इन्हें पता ना हो राजशेखर जी के लेकर? सुशांत जी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए कंप्लेंट दे रहा हूँ या किसी को नोटिस दे रहा हूँ, उससे पहले मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्लाइंट से एक अथॉरिटी लेटर, वकालतनामा या अटॉर्नी उससे लूँ। और साथ में ये भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मैं कंप्लेंट या लीगल नोटिस किसी दूसरी पार्टी को सर्व कर रहा हूँ, उस कंप्लेंट या लीगल नोटिस पर भी अपनी पार्टी के सिग्नेचर लूँ, जो कि इस प्रक्रिया में कहीं भी नहीं किया गया है। अगर आप क्रोनोलॉजी को समझना चाहें सुशांत इस मैटर में, तो 12 तारीख की कंप्लेंट है, नोटिस है ये लीगल नोटिस, 13 को एक्शन ले लिया जाता है,
उसके बाद जब हमारे संज्ञान में ये बात आती है 18 तारीख को और हम अपनी तरफ से एक कंप्लेन ऑनरेबल सीएम को और अदर और एजेंसीज को दर्ज कराते हैं, तो उस पर आज हम 25 तारीख में बैठे हैं और कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई नहीं ली जाती है। तो ऐसी क्या मंशा है इस गवर्नमेंट की कि ये एक्शन नहीं ले रही है इस मैटर के अंदर? मैं दर्शकों के लिए थोड़ा इसको सरल कर देता हूं, आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। 11 तारीख को अरविंद केजरीवाल सरकार को पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। 12 तारीख को मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, देखिए 12 मई की तारीख लिखी हुई है, 12 मई 2023, पावर मिलने के अगले ही दिन एक वकील की तरफ से यह शिकायत दी जाती है मुख्यमंत्री जी को, लिखा है अरविंद केजरीवाल जी, सौरभ भारद्वाज जी को दी जाती है। और इसमें कहा जाता है कि यह जो अभिनव समाज है जिसके चेयरमैन गुप्ता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने शिकायत की है कि राजशेखर जो अधिकारी हैं, जो शीश महल की जांच कर रहे हैं, जो कि शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, ये करप्ट आदमी हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 12 तारीख को ये जो शिकायत है, जो अब हमारी जांच में फर्जी निकल रही है, गुप्ता जी कह रहे हैं इन्होंने कभी कोई शिकायत ही नहीं की, 12 तारीख को यह फर्जी शिकायत होती है, 13 तारीख को राजशेखर जी पर एक्शन हो जाता है। ठीक, एक दिन बाद बिना उनको सुने, बिना उनका पक्ष जाने, उनसे सारी पावर ले ली जाती है 13 तारीख को। और फिर 15 और 16 तारीख की दरमियानी रात, यानी 16 तारीख को सुबह, 15 तारीख की रात 2 बजे या 16 तारीख हो गई तब, 16 तारीख को रात 2 बजे उन्हीं राजशेखर जी का कमरा खुलता है, क्योंकि अब तो वो उस कमरे में जा नहीं सकते, पावर ले ली गई, और वहां से फाइलें सीसीटीवी फुटेज में दिखती हैं कि फाइलें कैरी होती हैं, अगले कमरे में जाती हैं जहां 3-3 फोटोकॉपी मशीनें लगी हुई हैं। रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में यह सब होता है, और उसके बाद राजशेखर जी की शिकायत के बाद भी कुछ नहीं होता, बकायदा वो रूम लॉक कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जीके गुप्ता जी जो कि अभिनव समाज के चेयरमैन हैं, जिनके मार्फत कहा गया कि भाई कार्रवाई हो रही है क्योंकि इन्होंने शिकायत की, जो इन्होंने कभी की ही नहीं, राजशेखर जी को हटाया गया, ये कह रहे हैं इन्होंने अखबारों में पढ़ा, नवभारत टाइम्स में पढ़ा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो दौड़े दौड़े गए। इन्होंने 18 तारीख मुख्यमंत्री जी को शिकायत दी कि भाई हमने कोई शिकायत नहीं की राजशेखर जी के ऊपर, क्यों एक्शन ले रहे हो आप, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए ये क्रोनोलॉजी समझिए, 8 दिन की पावर मिलने पर कैसे एक अधिकारी जो शीश महल की जांच कर रहा है, जो शराब घोटाले की जांच कर रहा है, उस पर फर्जी आरोप लगते हैं, उसको हटा दिया जाता है, फिर उसका कमरा खुलता है, फाइलें इधर से उधर होती हैं, और फिर कहा जाता है हम कट्टर ईमानदार हैं। इसलिए मैंने आपसे पाठशाला के शुरू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अगर इत्तू सी भी नैतिकता बची होगी तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे, और इस्तीफा देने के बाद कहेंगे कि देखो मैं जांच करवाता हूं, और अगर उससे ईमानदार होकर निकल गए, पाक साफ निकल गए, तो मैं ही पाठशाला में खबर भी दिखाऊंगा। लेकिन आज की डेट में जितनी चीजें हो रही हैं, फेक, मनगढ़ंत, गलत आरोप लगाकर अधिकारी को हटाया जा रहा है, वो सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर। आप यह भी देखिए कि जिस लीगल फर्म ने अभिनव समाज एनजीओ की तरफ से राजशेखर के खिलाफ नोटिस भेजी, उस फर्म पे भी सवाल उठ रहे हैं। इस फर्म का नाम है मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स, और इस फर्म के लेटर हेड पर इसका पता भी लिखा। उस एड्रेस पर हमारे सहयोगी अभिषेक राज पहुंचे यह पता करने के लिए कि नोटिस क्यों भेजा भाई, जब इन्होंने भेजा नहीं, जीके गुप्ता ने, इनके वकील ने भेजा नहीं, तो हमने हमारे रिपोर्टर को भेजा कि भाई जाओ ये मिलिंद जी से पूछ के आओ, इन्होंने कैसे भेज दिया। अभिनव समाज एनजीओ कोई लेटर भेजने से इनकार कर रहा था, तो हमारे सहयोगी उस एड्रेस पर गए। इस फर्म का पता आकाशदीप बिल्डिंग हेली रोड लिखा था, लेकिन हेली रोड पर कोई आकाशदीप बिल्डिंग ही नहीं है। फर्जीवाड़े की इंतहा देखिए, आकाशदीप बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि आकाशदीप बिल्डिंग 12 खंबा रोड पर है।
और उस बिल्डिंग में भी मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट्स का कोई दफ्तर ही नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक को वहां क्या जानकारी मिली, जरा रिपोर्ट में देखिए। यह आकाशदीप बिल्डिंग है, इसके अंदर ये पता किया जाए कि कोई मिलिंद एम भारद्वाज का कोई फर्म है क्या, और ये इस तरीके से कोई एजेंसी चलती है ना। भैया एक बात बताइए, ये जो एड्रेस है ये क्या यहीं का है, आकाशदीप बिल्डिंग है ये क्या? जी। तो ये आकाशदीप बिल्डिंग में कोई B7 है क्या? नहीं, B7 नहीं है। नहीं, क्योंकि हेली रोड पे तो है नहीं ये आकाशदीप बिल्डिंग। आकाशदीप हमें पता चला कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे कोई है? बिल्डिंग तो यही है आकाशदीप, मगर इसमें ये कोई नहीं है। और ये मिलिंद एम भारद्वाज नाम का कोई है यहाँ पे? नहीं सर, इस तरह का कोई भी नहीं चलता है। नहीं सर। देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से कोई भी फर्म नहीं है मिलिंद एम भारद्वाज का, और ये आकाशदीप बिल्डिंग है जिसका जो एड्रेस है, जिसका बिल्डिंग का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। हेली रोड पे कोई आकाशदीप बिल्डिंग नहीं है। जब हमने पता किया आकाशदीप बिल्डिंग आखिर है कहाँ पे, तो हमें पता चला कि ये बाराखंबा रोड पे है। और जब हम बाराखंबा रोड पे आके यहाँ पता किए कि आकाशदीप बिल्डिंग में क्या सच में कोई मिलिंद एम भारद्वाज एंड एसोसिएट करके कोई जो फर्म है वो चलता है, तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी वो नहीं चलता। यानी कि जो एड्रेस है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्जी है, गलत है, और लेटर हेड पे भी जो एड्रेस लिखा गया है इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो आखिर जब एक IAS अधिकारी को, इतने बड़े अफसर को, विजिलेंस के इतने बड़े अधिकारी को हटाया गया, तो क्या इसकी सत्यता की जांच नहीं की गई? क्या ये जांच नहीं किया गया कि आखिर ये पूरा का पूरा जो लीगल नोटिस है वो कहां से आया है, किसने भेजा है और किन कारणों से भेजा है? ये तो बेसिक से सवाल थे कि एक शिकायत 12 तारीख को आई, तो जरा चेक कर लेते कि सही जानकारी है नहीं है, अभिनव समाज से मिल लेते, पूछ लेते कि क्या शिकायत है। इतनी बड़ी में थे अरविंद केजरीवाल जी, राजशेखर जी को हटाने को लेकर, ऐसा लगता है कि अगले दिन कार्रवाई कर। और ये एड्रेस गलत निकल रहा है, ये वकील जो है वो इनका वकील नहीं है, शिकायत फर्जी निकल रही है, और उसके बाद CCTV में फाइलें इधर से उधर हो रही है, पब्लिक समझ सकती है क्या हो रहा है। मुझे GK गुप्ता जी एक और बात बताइए, क्या आपने मुझे बताया कि राजशेखर जी को आप जानते थे, क्या राजशेखर जी को आप जितना जानते थे क्या वो बेईमान आदमी थे, और कैसे जानते थे आप उनको? देखिए जी, मैंने उनके साथ 23-24 साल पहले काम किया था, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े ईमानदार और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। उसके बाद भी मैं 2015 में रिटायर हुआ, तब तक अगर कोई ऑफिसर ऐसा करता है, आपस में ऑफिसर्स में पता तो लगता है कि फलाना ऐसा है, लेकिन उनके बारे में मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया और ऑनेस्ट ऑफिसर थे। ऑनेस्ट ऑफिसर थे? हाँ जी। तो जिन राजशेखर के लिए कहा जा रहा कि ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनको एक दिन में हटा दिया गया। मैं फिर एक बार आपसे पूछ रहा हूं, आपने राजशेखर जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई लेटर नहीं लिखा? नहीं जी, मतलब ही नहीं है। अब ये जिसे बल्कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए इस मिलिंद एम भारद्वाज एसोसिएट के अगेंस्ट। इन्होंने मेरी कुछ वो जो है उसका प्रूफ प्रोड्यूस करेंगे ना, कि मैंने कोई इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो, वकालतनामा दिया हो, कोई पेमेंट दिया हो, या कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन हो। वो तो एजेंसीज जब इंक्वायरी करेंगी तो उसमें आ जाएगा ना, मेरी कोई इनके साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन भी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम मैं तो योगेश जी, आपका दूसरा नाम मिलिंद तो नहीं है, आपने बताया ना हो इनको? नहीं सर, अभी नहीं रखा है, और जरूरत भी नहीं है कि मैं ऐसा कोई नाम रखूं विच शेल बिकम सो कॉल्ड और फेक। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि समझे, ये वो नेता समझे जिनके पास अरविंद केजरीवाल दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमारी पावर छीन ली, संविधान की हत्या कर दी। 8 दिन की पावर में बॉस, 8 दिन की पावर में ये हो सकता है। सोचिए पावर रह गई होती तो क्या होता। आज ममता बनर्जी जी फोन करें केजरीवाल जी को, पूछें कि ये पाठशाला में क्या दिखा रहे हैं जी।